हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड इस स्टॉक के बारे में। स्टॉक की जो वीडियो है आप थोड़ा गौर से देखिएगा, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगा। पहले भी मैं कई बार उन पॉइंट्स को बता चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोज़ में। तो अभी बात करते हैं, 52 वीक का हाई है, 23rd of September को लगाया था 2022, 567। 52 वीक का लो है 29th of March को लगाया 349.70। ये दोनों पॉइंट याद रखिए। तो ये है इस स्टॉक का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई 814 के आसपास में है और यहाँ पे 349 का लो, तो कुल मिला के मोर देन 50% का करेक्शन। और यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक अभी 379.95 पे बंद हुआ है। वीकली चार्ट में RSI इसकी है 43 के आसपास में। ये वनडे का चार्ट है, वनडे के चार्ट में RSI 53 और वन आर के चार्ट में RSI 43। तो ओवरऑल RSI अच्छी है। यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर आप देखेंगे इसी स्टॉक ने 349 के आसपास में लो लगाया, यहाँ से स्टॉक 398 तक गया, उसके बाद से वापस नीचे, देन फिर अपसाइड में, और अभी सिर्फ एक कंसोलिडेशन जोन है जहाँ पे अभी ये स्टॉक मूव कर रहा है। वन आर के चार्ट में आपको क्लियर पिक्चर दिख जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सॉरी वन डे के चार्ट में, यहाँ पे स्टॉक अपसाइड तो गया 398, वापस आया, कंसोलिडेशन जोन चलता रहा, उसके बाद से फिर से 398 के आसपास में, देन फिर नीचे जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था वहीं से सपोर्ट लिया, उसके बाद से अभी फिर से एक कंसोलिडेशन जोन। तो अभी स्टॉक कहीं मूव किया नहीं है, 379.95 पर चल रहा है। नीचे जो सपोर्ट है इसका 373 है, आपको मिल जाता है, बाई कर सकते हैं, आप करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। जिस हिसाब से हमने अभी पहले वोल्टास की वीडियो बनाई थी, वोल्टास 1300 या 1400 के आसपास का स्टॉक है, 748 के आसपास में हम लोगों ने बाई की थी जब मैंने वो वीडियो बनाई थी। जिन लोगों ने नहीं देखा देखी है वो वीडियो जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के एंड में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर 398, यहाँ पर 398, आप बोलोगे डबल टॉप बन गया, बिल्कुल डबल टॉप बना हुआ है। यहाँ पर 379 है, नीचे 373, अपसाइड में 398, तो यहाँ भी अभी बीच में है। यहाँ पे जो भी आप बाइंग कर रहे हो 379 पे या 373 पे, आपको स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, एक महीना भी करना पड़ सकता है, हो सकता है ज़्यादा भी करना पड़ जाए, बट एक अच्छे प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट भी बताऊँगा, कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है वो भी बता दूंगा। वन आर के चार्ट में जिस पॉइंट के बारे में मैं बात करना चाह रहा था, जैसे वीक है, मैंने बताया था कभी बहुत पहले वीडियो में बताया कि जब ये इस टाइप की वीक बनती है तो इनको पूरा करने के लिए कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, वापस जरूर जाएगा। तो ये वीक बनी, यहाँ से फिर वापस देखिए पूरा कर दिया, ये वीक बनी, यहाँ पे इसने पूरा कर दिया, ये वीक बनी, ये पूरा कर दिया, अभी ये वीक बनी तो दोबारा से फिर ये यहाँ तक गया है, ऑलमोस्ट पूरा कर दिया, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट भी है, बिकॉज कोई भी कैंडल है अगर उसकी वीक बन रही है अपसाइड या डाउनसाइड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कभी कंप्लीट नहीं हुई है, बस एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रही है, हो सकता है नीचे आ जाए 373-374 के आसपास तक भी ये स्टॉक नीचे आ जाए, तो आप ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को। और नीचे मिलता है और नीचे भी आप इस स्टॉक को बाय करके होल्ड कर लीजिए। और क्योंकि 349 से 379 ज़्यादा स्टॉक बहुत रनिंग नहीं हुआ है, 40 पॉइंट्स के आसपास में स्टॉक अपसाइड मूवमेंट हुई है कुल। स्टॉक 814 का है, चलिए मान लीजिए मैंने 567 के आसपास भी मान लिया, तो 567 से भी फिर भी स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, राइट। तो अभी अगर हम यहाँ पे वनडे के चार्ट में बात करते हैं, ये वनडे का चार्ट है, वनडे के चार्ट में ये स्टॉक सिर्फ यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन ही चल रहा है। यहाँ से अगर ब्रेक करेगा अपसाइड में 398 तो आना ही आना है, 398 का तो पहला टारगेट है। अब अपसाइड में अगर आप देखोगे, यहाँ पर रेसिस्टेंस है, अगर आप ये देख रहे होगे, ये लेवल 450 के आसपास का है, 452 या 450 के आसपास में। यहाँ पे कहीं भी बीच में कुछ भी नहीं है, ना कोई सपोर्ट है, ना कोई रेसिस्टेंस है, कुछ भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे करना क्या है, वीकली चार्ट में जाते हैं। वीकली चार्ट में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो जहाँ पे इसी स्टॉक ने यहाँ पे नीचे सपोर्ट लेके ऊपर गया था, तो यहाँ पे है 422 के आसपास का लेवल है। वन डे के चार्ट में देखोगे तो 452 है, तो 398 के बाद में 422 का नेक्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए, देन 450 के आसपास में। तो 379 to, अगर 422 पे भी आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो भी एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, और 450 के आसपास भी बाय बुक कर रहे हो प्रॉफिट तो भी एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अभी ये स्टॉक ऐसी जगह पे है, बहुत अच्छे प्राइस पे आपको मिल रहा है,
और यहाँ से स्टॉक आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे के चला जाएगा। बस आपको इस स्टॉक को अच्छे से पेशेंस के साथ में होल्ड करना है बाय करके। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन है वीडियो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल है मेरा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।